सिमूल में खेल रहे थे, ताल 1964 की बात है। ताल के सामने हैं एफ नॉर्मन स्टेफनसन, मिखाइल ताल वाइट पीसेस के साथ और स्टेफनसन खेल रहे हैं ब्लैक पीसेस के साथ। ई फोर और ई फाइव से दोनों ही खिलाड़ी शुरुआत करते हुए ताल ने ई फोर चला था, नाइट को बाहर निकालते हुए ताल। तो स्टेफनसन ने भी अपने नाइट को बाहर निकाला। रुई लोपेस यहाँ पर ताल प्रारंभ करते हुए अपने एफ फाइल को खुलवाने की कोशिश में स्टेफनसन, ताल ने ई फाइल खुलवाने की चेष्टा की। स्टेफनसन ने ये पोन आगे बढ़ाकर नाइट पर ही अटैक बना दिया। क्या करेंगे इस वक्त ताल, क्या अपने नाइट का बचाव करेंगे या फिर ई फाइल खुलवा लेंगे? ताल ने परवाह नहीं की इसकी, स्टेफनसन ने लिया भी नहीं इसे, और मिखाइल ताल ने अटैक दूसरे नाइट पर लगा दिया है। तो स्टेफनसन ने भी नाइट को ना बचाकर बिशप पर निशाना साधा, बिशप पीछे बुला लिया है ताल ने, इस तरह से पीसेस एक्सचेंज होते हुए। ई फाइल खुली मिल गई है ताल को पूरी तरह से, और अभी भी सेंटर में है किंग स्टेफनसन का, काफ़ी ख़तरनाक अटैक लगाने की तैयारी में ताल। अब जाके कैसलिंग कर ली है स्टेफनसन ने, इतने देर से ये पॉन पड़ा हुआ था, अब जाकर ताल ने अपने किंग से इसे लिया है। कोने में जाता हुआ ताल का किंग, बिशप पर अटैक, बिशप गया पीछे। एफ फाइल के पॉन से इस नाइट का कुछ बचाव करते हुए नाइट पर अटैक, नाइट पीछे। ओलफसन की स्थिति काफ़ी, यहाँ पर आप देखिए किस तरह से वो डिफेंस कर रहे हैं, ज़्यादातर बचाव कर रहे हैं, और वहीं मिखाइल ताल कुछ अटैक अपने घोड़े से लगा पा रहे हैं और ई फाइल के डबलिंग अप से। लाइट स्क्वायर बिशप भी ताल का काफ़ी अच्छा अटैक बना सकता है, पर ये पॉन जो है फाइल का वो हटना होगा। वहीं स्टेफनसन अपने इस सी सिक्स के पॉन को आगे बढ़ाकर एक चेक दे सकते हैं। जी फाइल पर आखिर क्वीन करने क्या गई है, कभी भी कोई भी मूव आ सकता है ताल की तरफ से जो स्टेफनसन को हिला के रख देगा। ये वो मूव आ चुका है, देखिए किस तरह से मिखाइल ताल ने अपने हाथी को दे दिया है। आखिर ऐसा क्यों किया मिखाइल ताल ने, क्या ज़रूरत थी उन्हें अपने रूप को देने की, और इसके बाद रिज़ाइन कर दिया स्टेफनसन ने। आप वीडियो को पॉज कीजिए और ढूंढने की कोशिश कीजिए कि आखिर स्टेफनसन ने यहाँ पर रिज़ाइन क्यों किया। फिलहाल तो मिखाइल ताल ने उपहार स्वरूप ये रुक दे रहे हैं, लेकिन अगर ये स्टेफनसन ले लें, मिखाइल ताल का पीस ले पाना और उसे हजम कर पाना इतना आसान नहीं। सबसे पहले मिखाइल ताल यहाँ पर करेंगे घोड़ा ले लेंगे, और यहाँ पर सीधा राजा और उसके सामने क्वीन का जो डायगनल है उसमें डार्क स्क्वायर बिशप अपना लगा देंगे। तो ये डार्क स्क्वायर बिशप लेना ही होगा स्टेफनसन को, और उसके बाद देखिए मिखाइल ताल का क्वीन कहाँ बैठा है, और जिस स्क्वायर पर वो टारगेट लगा रहा है ये क्वीन, उस पर लाइट स्क्वायर बिशप मिखाइल ताल का भी निशाना लगा रहा है। यानी कि ये एक चेकमेटिंग पैटर्न है जो कि स्टेफनसन ने यहाँ से देख लिया था, और इसलिए उन्होंने रिज़ाइन भी कर दिया। अगर ये रुक ना भी लिया जाए, राजा से लिया जाए, तब देखते हैं क्या होता है। तब इस तरह से ये तो नहीं चला जा सकता, नाइट यहाँ पर बचाव कर रहा है। ये चला जा सकता है क्योंकि नाइट है पिन, और इस चेक के बाद कहाँ जाएगा ये किंग, ज़्यादा स्क्वायर बचे नहीं है इसके लिए। अगर यहाँ पर जाए तो भी मिखाइल ताल यहाँ पर एक चेक दे सकते हैं, नाइट से बचाई जाए तो ताल इस तरह से। अब देखिए कुछ ज़्यादा स्क्वायर बचा नहीं है इस किंग के लिए, और अगले ही मूव में मिखाइल ताल अपने रुक को लाने वाले हैं यहाँ पर। जब तक ये रुक बचाएंगे और स्टेफनसन इधर उधर कहीं पर, तब तक मिखाइल ताल एक चेक दे देंगे, और फिर जाने के लिए कौन सा रास्ता बच जाएगा स्टेफनसन के लिए। सब कुछ आकलन कर लिया था स्टेफनसन ने यहाँ से, और उन्होंने डिज़ाइन कर दिया।